हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज मेरा अभी कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं नहा ली हूँ, बस पूजा हो गई है और कोई काम नहीं हुआ है। आज मेरे घर में बहुत सारा काम फैला पड़ा है और समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से करूँ मैं, क्योंकि त्यौहार का टाइम है तो काम तो हो ही जाते हैं। और त्यौहार पर तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, कभी कुछ बनाना, कभी कुछ करना। और आज बच्चों की भी छुट्टी है, बच्चे भी घर हैं, तो काम नहीं हुआ अभी आज कुछ भी। मैंने तैयारियां कर दी है, खाने की मैंने तैयारी कर दी है, झाड़ू पोछा, बच्चों को नहाना, अभी कोई काम नहीं हुआ है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही है मेरे काम में आज, तो क्योंकि उसका पेपर नहीं था, घर पे थी, तो बोली आप अपना काम कर लीजिए, मैं आपका कुछ हेल्प कर देती हूँ, तो वो भी मेरी हेल्प कर रही है। ये मैंने सब्जी बना के रखी है फ्रेंड, देखो ये मट्ठे के आलू बनाए मैंने अपनी बेटी की पसंद के हैं। मैंने इसमें हरा धनिया नहीं डाला है, वो खाती नहीं है। और मैंने ये सब्जी बनाई है, आलू गोभी की भी सब्जी बना दी है मैंने, और मैंने आटा भी लगा के रख दिया इधर। तो सारा काम मैंने ये तैयारी केवल खाने की कर दी है, बाकी का कुछ नहीं हुआ है। मेरी किचन भी ऐसी फैली पड़ी है, कुछ नहीं हुआ। ये गेहूँ भी साफ किए थे, देखो मैंने वो, फिर त्यौहार आ जाएगा ना तो फिर नहीं हो पाता, तो ये गेहूँ भी मैंने साफ कर लिए हैं। ये मैं चक्की पर लगा दूँगी मिसवाने के लिए। ये बिटिया रानी मेरी हेल्प कर रही है, मैंने आलू उबाल दिए थे और इसका भरता बना दिया था मैंने, और ये आलू के पापड़ बना रही है। ये देखो, ये ना बोली मम्मी मेरे को लोई बना के दे दो, तो मैंने इसमें मसाला मिला के लोई बना के इसको दे दी थी, तो ये बना रही है पापड़। मेरे तो यही काफ़ी हेल्प है कि ये इस काम को कर रही है। और इधर देखो, ये मैंने धनिया भी सुखा दिया है, और ये नमक है जो सेंधा नमक होता है ना, वो वाला नमक है, मैंने धो के सुखा दिया है। मैं इसको खल्लड़ में कूट के और मिक्सी में पीस लेती हूँ। खाने में मैं यही वाला नमक यूज करती हूँ, पैकेट वाला नमक नहीं लाते हैं हम, वो यूज नहीं करती हूँ मैं, इसी को यूज करती हूँ। और ये मसाले भी मुझे कूट के रख लेने हैं, धनिया है साबुत, अभी और मसाला है नहीं है, मैं मार्केट जाऊँगी तब लेके आऊँगी। जैसे हल्दी है वो भी मैं साबुत लेके आती हूँ घर पर, और मिर्ची है वो भी लेके आती हूँ, वो मैं मंगाऊँगी मार्केट से। इसके बाद उसे भी मैं पीस के रख लेती हूँ, मार्केट से नहीं लाते हम, वैसा वाला नहीं लाते हैं, पिसा हुआ मसाला नहीं यूज़ करती मैं। और ये जो कल मैंने बनाई थी ना, देखो ये अभी सूखी नहीं थी, पलट के मैंने रख दी है, इनको भी धूप लग जाएगी। शाम की बन रही है चाय, बन चुकी है लगभग, तो मैं चाय पीऊँगी। सिर में दर्द हो रहा था ना मेरे, तो मैं सुबह के बाद दोपहर का कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई। मैं चाय पी रही हूँ, और इधर मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, चाय लगभग बन चुकी है, और मैं चाय छान लूँगी। धनिया भी देखो मैं ले आई थी बाहर से, सूख गया है, इसको मैं पीस लूँगी लाइट आएगी तो। मैं हो गई तैयार देखो, और मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ खेतों पर घूमने के लिए। हम पहुँच गए खेतों पर, और देखो ये दूध की कैन जा रही है, इसमें शाम को दूध जाएगा भर के। देखो गुल्ली बन गई है, ये इन्हें उठा के अंदर रखते ना, सूख गई है ये, क्योंकि बारिश वारिश आएगी तो यहाँ भीग जाएगा, बादल सा हो रहा है ना, तो इसे अंदर रख देंगे, सूख गई है। दीदी इन्हें भर दे रही हैं। इस पे आ रहे हैं बेर, अभी कच्चे हैं तो अभी नहीं तोड़ रही मैं तोड़ लेती हूँ थोड़ा सा धनिया, धनिया नहीं है घर, उस दिन मैं लेके गई थी, ख़त्म हो गया, तो ज़्यादा नहीं लेके जाती हूँ, जितना ज़रूरत होती है उतना ले जाती हूँ ताज़ी ताज़ी। दीदी भी तोड़ रही हैं, देखो ये सरसों के पेड़ भी हैं इसमें। धनिया तोड़ लिया हमने, और इधर ये लोग दूध निकाल रहे हैं गाय का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं गाय के, इधर बंधे हुए हैं।
इधर ये दूध निकाल रहे हैं, ये लोग यहाँ परमानेंटली रहते हैं गाय की देखभाल के लिए, और ये दूध निकालते हैं।